Hello everyone, welcome to the my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss some problem on analytic function. We have already discussed the many theorems and some questions in the previous video, so let's start the video. So aaj hum discuss karenge ye sare questions. इसमें पहला क्वेश्चन है जो 2018 में पूछा गया है, इफ़ एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आई वी वाई इज एन एनालिटिक फंक्शन देन सो दैट फैमिलीज ऑफ कर्व्स गिवन बाय यू एक्स वाई इक्वल टू सी वन एंड वी एक्स वाई इक्वल टू सी टू फॉर्म एन ऑर्थोगोनल सिस्टम. तो हम ऑर्थोगोनल सिस्टम के बारे में बात कर चुके हैं अपने जो एनालिटिक फंक्शन का पहला वीडियो था उसमें. तो ऑर्थोगोनल सिस्टम वो सिस्टम होता है जो जिसमें जितने भी फैमिली ऑफ कर्व्स होते हैं वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं. तो ये चीज़ें हम यहाँ दिखाएंगे, ठीक है. उसी तरीके से एक और क्वेश्चन है जो 2015 में पूछा है, इफ़ एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन विथ कॉन्स्टेंट मॉड्यूलस, मतलब ऐसा एनालिटिक फंक्शन एफ जेड एक ऐसा एनालिटिक फंक्शन है जो कॉन्स्टेंट मॉड्यूलस रखता है, तो वो जो फंक्शन है वो कॉन्स्टेंट होगा, देन सो दैट इट इज़ अ कॉन्स्टेंट. तो एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है जो एक कॉन्स्टेंट मॉड्यूलस रखता है, और उसे हमें शो करके दिखाना है कि जो फंक्शन है वो कॉन्स्टेंट है. एक और क्वेश्चन है जो 12, 14, 15 और 17 सब में पूछा है, सो दैट द फंक्शन एफ जेड इक्वल अंडर रूट मॉड ऑफ एक्स वाई इज नॉट एनालिटिक एट द ओरिजिन इवन दो द सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड. तो जो ये फंक्शन गिवन है ये एनालिटिक नहीं है, ये हमें शो करके दिखाना है, जबकि ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. तो ये फंक्शन सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन एनालिटिक फंक्शन नहीं है, ये हमें दिखाना है. तो एनालिटिक के लिए हम क्या करते हैं, उसका डेरिवेटिव निकालते हैं. अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाता है तो हम कहते हैं एनालिटिक है. तो अगर नॉट एनालिटिक है तो हम दिखाएंगे कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है. तो चलिए इसी क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे गिवन फंक्शन है, पहले हम यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन. सो गिवन फंक्शन इज एफ ऑफ जेड इक्वल टू अंडर रूट मॉड ऑफ एक्स वाई एक्स इंटू वाई, और एफ जेड को हम इस तरीके से लिखते हैं यू ऑफ एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई, ठीक है ऐसे. तो ये एक तरह से रियल पार्ट लग रहा है, इसमें इमेजिनरी पार्ट कोई है नहीं. तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यू एक्स वाई इक्वल टू अंडर रूट मॉड एक्स वाई एंड वी एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो. ये हमें कहाँ से मिला, ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट. रियल एंड इमेजिनरी पार्ट तो हमें ये मिला. अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. तो सबसे पहले तो हम ये दिखा दें कि ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. तो अगर ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स. तो ये जो है ये सी आर इक्वेशन है. तो अगर इसको सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है तो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है. तो चलिए देखते हैं. तो ये पूरा हमारा सी आर इक्वेशन है. तो हम क्या करेंगे, यू और वी का वैल्यू हमें पता है, उससे हम वैल्यू फाइंड करेंगे सारे डेरिवेटिव्स का. तो निकालते हैं हमें क्या मिलेगा, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू और एक चीज़ और लिखा है यहाँ पे एट ओरिजिन. तो ओरिजिन पे जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एट ओरिजिन. एट ओरिजिन सो डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो यू एक्स ज़ीरो माइनस यू ऑफ ज़ीरो ज़ीरो अपॉन एक्स, ठीक है.
उसी तरीके से डेल यू बाई डेल वाई हो जाएगा लिमिट वाई टेंडिंग टू ज़ीरो यू ऑफ ज़ीरो वाई एंड यू ज़ीरो ज़ीरो क्लियर अपॉन वाई। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट यू ऑफ एक्स ज़ीरो, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए क्या मिलेगा, एक्स के जगह पे हमें यू ऑफ एक्स वाई पता है अंडर रूट मॉड ऑफ एक्स वाई, तो एक्स के जगह एक्स पुट करना है वाई के जगह ज़ीरो, तो हमें क्या मिलने वाला है फाइनली ज़ीरो ही मिलेगा क्योंकि एक्स इंटू वाई है, माइनस करेंगे तो भी ज़ीरो ही मिलेगा और अपॉन में एक्स है ऐसा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ज़ीरो, क्योंकि ऊपर ज़ीरो है तो सारा ज़ीरो ही मिलेगा। उसी तरीके से लिमिट वाई टेंडिंग टू ज़ीरो, ज़ीरो माइनस ज़ीरो अपॉन वाई इक्वल टू ज़ीरो। सिमिलरली वी कैन फाइंड डेल वी बाई डेल एक्स एंड डेल वी बाई डेल वाई, और ये कितना आएगा। अब दूसरा वाला फंक्शन देखिए, ये फंक्शन इक्वल टू ज़ीरो है, इसका हम चाहे एक्स के रिस्पेक्ट में करें चाहे वाई के रिस्पेक्ट में करें, दोनों ही हमें क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो हमारा इक्वेशन है सारे की वैल्यू ज़ीरो ही आ रही है, डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू भी ज़ीरो है, डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू भी ज़ीरो है, डेल वी बाई डेल एक्स की वैल्यू भी ज़ीरो है और डेल वी बाई डेल वाई की वैल्यू भी ज़ीरो है। इसका मतलब यह है कि ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो वी कैन राइट एज डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, क्योंकि सारी वैल्यू जब ज़ीरो ही है तो ये बराबर ही होगा, तो ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स, ठीक है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जब सारी वैल्यू ज़ीरो ही है, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो, इसका मतलब कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक पार्ट इसका प्रूफ हो गया कि ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरा काम हमें ये दिखाना है कि ये एनालिटिक है कि नहीं है, तो चलिए चेक करते हैं। फॉर एनालिटिक एट ओरिजिन, तो हम निकालेंगे यहाँ पे एफ डैश ज़ीरो और ये हो जाएगा लिमिट जेड टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ ज़ीरो डेरिवेटिव्स के डिफिनेशन से अपॉन में जेड, ठीक है। तो ये आएगा लिमिट जेड टेंडिंग टू ज़ीरो, एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या है हमारा, अंडर रूट मॉड एक्स इंटू वाई एंड माइनस एफ ऑफ ज़ीरो करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा सिंपल ज़ीरो अपॉन में जेड, और जेड मीन्स सिंपल जेड, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स प्लस आई वाई, क्योंकि जेड एक कम्प्लेक्स नंबर है, सो ये हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। तो ये हमें मिल गया फाइनली लिमिट जेड टेंडिंग टू ज़ीरो अंडर रूट मॉड ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, एफ डैश ज़ीरो। तो अब हम मान लेते हैं, हम यहाँ पे कोई एक लाइन लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग मान लेंगे कि जेड इक्वल टू ज़ीरो है, सो लेट जेड टेंडिंग टू ज़ीरो अलोंग द लाइन, सपोज वाई इक्वल टू एम एक्स, ठीक है, हम वाई इक्वल टू एक्स भी ले सकते हैं लेकिन हम एक जनरल टर्म लेते हैं एम एक्स, क्योंकि ये दो तीन चार कुछ भी हो सकता है। तो वाई इक्वल टू एम एक्स के अलॉन्ग हम मान रहे हैं कि जेड टेंडिंग टू ज़ीरो पे हम वैल्यू चेक करना चाह रहे हैं, तो ये मिलेगा हमको वाई डैश ज़ीरो इक्वल टू लिमिट जेड टेंडिंग टू ज़ीरो वाई की जगह पे
एम एक्स रखिए, तो एक्स हो जाएगा वाई के जगह पर एम एक्स अंडर रूट एक्स प्लस आई एम एक्स, ठीक है। तो ये हमें देगा लिमिट जेड टेंडिंग टू ज़ीरो। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है अंदर, तो इसको जब हम मॉड से बाहर निकालेंगे तो हमें एक्स मिलेगा, एक्स वो और एक नीचे से, यहाँ अंडर रूट नहीं है, ये सिंपल एक्स प्लस आई एम एक्स। नीचे से भी एक्स कॉमन है और ऊपर भी एक्स अंडर रूट से बाहर आएगा, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमको मिलेगा यहाँ से मॉड ऑफ एम एंड अपॉन में अंडर रूट नहीं होगा वन प्लस आई एम, ये आएगा, ठीक है। और ये चूंकि अंडर रूट में है, ये मॉड एम है, तो अगर मॉड एम की वैल्यू पॉजिटिव भी आती है, जब हम उसका अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट से हमें डबल वैल्यू मिलती है। जैसे हम अंडर रूट अगर 4 निकालते हैं तो प्लस और माइनस 2 दोनों आता है, तो सेम वैल्यू नहीं आती है, तो ये डिफरेंट वैल्यू आती है। इसका मतलब ये है कि ये नॉट यूनिक है, जो इसकी वैल्यू आएगी वो हमेशा यूनिक नहीं होगी। यानी कि जो हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं एफ डैश ज़ीरो, तो फंक्शन का डेरिवेटिव एट ओरिजिन इज़ नॉट यूनिक। तो इसका मतलब यह है कि जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, या एक तरह से डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो एनालिटिक फंक्शन नहीं है। सो इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन, हम एक लाइन लिख लेंगे यहाँ पे, सो इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन एंड हेंस द गिवन फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, हेंस द गिवन फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, क्लियर। हम फिर से पढ़ देते हैं, सो इट इज़ नॉट अ डिफरेंशिएबल, या डिफरेंशिएबल लिखना चाहिए, नॉट अ डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन एंड हेंस द गिवन फंक्शन इज नॉट अ एनालिटिक। सो दिस प्रूव्स द थ्योरम, या यू कैन से दिस क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहाँ हमें प्रूफ करना था कि ये सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है लेकिन उसी ओरिजिन पे एनालिटिक फंक्शन नहीं है। एनालिटिक फंक्शन नहीं है तो उसके लिए हमने डेरिवेटिव को दिखा दिया, जो डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है वो यूनिक नहीं आ रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, और डिफरेंशिएबल नहीं है तो ये एनालिटिक नहीं है, ठीक है। तो ये रहा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, अगर इसको लिखना हो तो लिख लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है, इफ़ एफ जेड इज़ एन एनालिटिक फंक्शन विथ कॉन्स्टेंट मॉड्यूलस, तो जो एफ जेड है वो कॉन्स्टेंट मॉड्यूलस रखता है, देन सो दैट इट इज़ अ कॉन्स्टेंट। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो एफ जेड है वो एनालिटिक फंक्शन है, तो अगर एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है तो ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो लेट या सिंस एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन ठीक है,
सो एब्जेट इज एन इनैटिक फंक्शन, सो दे मस्ट सेटिस्फाई द सी आर इक्वेशन, दैट इज डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। ठीक है, तो इसके बाद पता है हमें कि जो एफ जेड है वो कॉन्स्टेंट मॉडुलस रखता है, और यहाँ एफ जेड है क्या, एफ जेड इज यू प्लस आई वी, ये है हमारा एफ जेड। और कॉन्स्टेंट मॉडुलस रखने का मतलब ये है कि जो इसका मॉड है, दैट इज गिवन मॉड ऑफ एफ जेड इज कॉन्स्टेंट, सो सी सी। तो हम मान रहे हैं कि जो एफ जेड का मॉड है वो किसी कॉन्स्टेंट सी के बराबर है, ये गिवन है। तो अगर हम इसका मॉड निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू सी, या हम अगर दोनों साइड का स्क्वायर कर लें तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, हमें सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सो ऑन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई वी गेट, तो ये हो जाएगा टू यू बाई डेल एक्स प्लस टू वी बाई डेल एक्स इक्वल टू ज़ीरो, चूँकि सी एक्स या वाई का फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगा u by del x plus v del v by del x equal to 0। सो इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन वन। उसी तरीके से y के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो हमें मिलेगा 2u del u by del y plus 2v del v by del y, ये v है, इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ से हमें फाइनली मिलेगा u बाई डेल वाई प्लस v बाई डेल वाई इक्वल टू ज़ीरो। सही हो गया इक्वेशन टू। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो एक ही टर्म में सबको चेंज कर लेंगे, जैसे यहाँ डेल यू बाई डेल एक्स है, यहाँ पे डेल यू बाई डेल वाई, यहाँ क्या है v है और यहाँ भी v है। तो अगर हम इन दोनों को चेंज कर लें, इसको और इस टर्म को, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन वन को हम अगर कुछ इस तरीके से लिखें, तो फ्रॉम इक्वेशन वन, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हम वहाँ से एलिमिनेट करेंगे और फिर डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू, या डेल यू फिर डेल वी बाई डेल वाई या डेल यू बाई डेल वाई, इन सब की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन वन को u डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वी, और डेल वी बाई डेल एक्स की वैल्यू होती है माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल वाई। सो ये हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल वाई। क्लियर, क्योंकि डेल वी बाई डेल एक्स होता है माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल वाई। उसी तरीके से फ्रॉम इक्वेशन टू, इक्वेशन टू से हम लिख सकते हैं यू डेल यू बाई डेल वाई प्लस वी, और डेल वी बाई डेल वाई होता है हमारा डेल यू बाई डेल एक्स। ये हो जाएगा सिंपली डेल यू बाई डेल एक्स, और ये इक्वल टू ज़ीरो है इक्वेशन फोर। अब इक्वेशन थ्री और फोर से हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू निकालना चाहें, चाहे हम डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू निकालना चाहें, ये एक तरह से
इक्वेशन हो गया, दो इक्वेशन जैसे एक्स वाई वाला इक्वेशन होता है, उसी तरीके से हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑन एलिमिनेटिंग डेल यू बाई डेल वाई, तो अगर हम चाहें कि डेल यू बाई डेल वाई को एलिमिनेट करें थ्री और फोर इक्वेशन से, डेल यू बाई डेल वाई को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना होगा, इसमें वी से इंटू करना होगा और इसमें यू से इंटू करना होगा। इस वाले में वी से इंटू कर लेंगे तो ये यू भी हो जाएगा, इसमें वी से इंटू करें यू से इंटू करेंगे तो ये यू भी हो जाएगा, फिर देन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम डायरेक्ट लिखते हैं ऑन एलिमिनेटिंग डेल यू बाई डेल वाई फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड फोर वी गेट, तो चूंकि हम इसमें यू से इंटू कर रहे हैं तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स, यहाँ पे एक्स था, दिस इज एक्स, नो यहाँ पे वाई ही था, यहाँ एक्स है, ठीक है ये एक्स है, सो डेल यू बाई डेल एक्स और प्लस ये हो जाएगा वी स्क्वायर डेल यू बाई डेल एक्स और इक्वल टू ज़ीरो। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे एक तरह से यू से, इस वाले टर्म में यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इस टर्म में वी से मल्टीप्लाई करके फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें यही मिलेगा। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अगर डेल यू बाई डेल एक्स को कॉमन कर लेते हैं तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स एंड दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है या तो ये ज़ीरो होगा या तो ये ज़ीरो होगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई ज़ीरो है और हम ये जानते हैं कि यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर किसी कांस्टेंट के बराबर है, वो ज़ीरो के बराबर नहीं है। तो चूंकि ये टर्म ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब ज़ीरो कौन सा होगा, ये वाला होगा, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो डेल यू बाई डेल एक्स है वो ज़ीरो है। ठीक है, तो हमें एक टर्म पता चल गया है कि जो सी आर इक्वेशंस का पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं उसमें डेल यू बाई डेल एक्स का मान आ गया ज़ीरो। तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ एलिमिनेशन डेल यू बाई डेल एक्स का करते तो हमें डेल यू बाई डेल वाई मिलता और वो भी ज़ीरो मिलता। तो हम लिख सकते हैं उसी तरीके से, सिमिलरली वी कैन फाइंड, अदर पार्शियल डेरिवेटिव्स विच इज डेल यू बाई डेल वाई डेल वी बाई डेल वाई डेल वी बाई डेल एक्स और डेल वी बाई डेल वाई, सो दे आर दीज वैल्यूज आर जीरोस। तो सभी पार्शियल डेरिवेटिव्स को हम फाइंड कर सकते हैं और उन सभी की वैल्यू ज़ीरो ही आएगी जिस तरीके से ये आया है। तो हमें ये मिल गया डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल यू बाई डेल वाई और ये सारे टर्म बराबर ही हैं, डेल वी बाई डेल एक्स और एक तरह से डेल वी बाई डेल वाई, ये सभी की वैल्यू ज़ीरो है। ठीक है, तो चूंकि सारा वैल्यू ज़ीरो है इसका मतलब ये है कि जो ये तभी सारा ज़ीरो आ सकता है जब इसमें u और v ऑलरेडी ज़ीरो हो, u और v दोनों ज़ीरो होगा तभी ये सारे डेरिवेटिव्स ज़ीरो आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा fz है, दिस शोज दैट fz इज़ कॉन्स्टेंट, एफ जेड कोई एक कांस्टेंट ही होगा, उसी का डेरिवेटिव ने ज़ीरो आएगा, जो एफ जेड हमारा यू प्लस आई भी होता है और ये ज़रूर कोई कांस्टेंट होगा तभी उसका हम डेल यू बाई डेल एक्स कर रहे हैं तो भी ज़ीरो आ रहा है, डेल यू बाई डेल वाई कर रहे हैं तो भी ज़ीरो आ रहा है, डेल वी बाई डेल एक्स या डेल वी बाई डेल वाई कुछ भी कर रहे हैं तो वो ज़ीरो ही आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं
तो इसका मतलब यह है कि हमारा एफजेड कॉन्स्टेंट होगा और यही हमें शो करना था, यही था। ऐसा कोई फंक्शन जो एनालिटिक है और उसका मॉड्यूलस जो है एक कॉन्स्टेंट है, तो वो कैसा फंक्शन होगा? वो ऐसा फंक्शन होगा, वो कॉन्स्टेंट होगा, तभी ऐसा हो सकता है। तो जो एफजेड है वो ज़रूर है कॉन्स्टेंट है, तभी उसका पार्शियल डेरिवेटिव सारा ज़ीरो आ सकता है। ये सारा ज़ीरो कब आएगा? जब जो हमारा फंक्शन है एफजेड यू प्लस आई वी, ये ज़रूर कॉन्स्टेंट के बराबर है। यहाँ पे कॉन्स्टेंट होगा तभी इन सभी का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई सारा हमें ज़ीरो मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में करके बताइए, हम दोबारा इसको बताएंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमने सीआर इक्वेशन यूज किया था, आप इसको देख सकते हैं ध्यान से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2018 में पूछा हुआ है। ये सारे क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं ये विद्यापीठ एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसी के बेसिस पे हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग है सिलेबस के। इफ़ एफजेड इज़ यू एक्स वाई प्लस आई वी वाई, सो जो एफजेड है वो इक्वल है यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई इज़ एन एनालिटिक फंक्शन। तो गिवन है, गिवन एफजेड इक्वल टू दिस इज़ एन एनालिटिक फंक्शन एंड देन शो करना है सो दैट द फैमिलीज ऑफ द कर्व्स आर गिवन बाई यू एक्स वाई। जो फैमिली ऑफ कर्व्स हैं वो है यू एक्स वाई इक्वल टू सी वन एंड वी एक्स वाई इक्वल टू सी टू, ठीक है। तो दो फैमिलीज ऑफ कर्व्स हैं, मतलब ये शो करना है कि वो फॉर्म कर रही हैं एक अर्थोगोनल सिस्टम को। तो अर्थोगोनल सिस्टम्स वह होते हैं जहाँ जितने भी कर्व्स होते हैं वो सभी 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। हमने ये पहली वीडियो में बताया था जब हमने एनालिटिक फंक्शन शुरू किया था, तो उसमें कई सारे सिस्टम को डिफाइन किया था, तो वहाँ पर अर्थोगोनल सिस्टम को भी डिफाइन किया गया था। वो तीसरा या चौथा लेक्चर रहा होगा, तो उसको आप देख सकते हैं वहाँ जाके। तो अर्थोगोनल सिस्टम का जो डिफिनेशन था वो यही था कि वो जितनी भी फैमिलीज ऑफ कर्व्स हैं वो सारी इंटरसेक्ट करेंगी राइट एंगल पे। तो यहाँ पे हमें यही शो करना है कि इस फैमिली ऑफ कर्व का हम स्लोप निकालेंगे और इसका स्लोप निकालेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि क्या वो दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं 90 डिग्री पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यही शो करेंगे कि सपोज कर लेंगे कि इसका जो स्लोप है वो m1 है और इसका जो स्लोप है वो m2 है, एंड देन हमें प्रूफ करना होगा कि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। यही तो है, किसी भी दो कर्व के स्लोप का इंटू अगर -1 आता है तो हम कहते हैं जो दोनों कर्व है हमारा वो आपस में 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्लोप के लिए हम क्या करेंगे, हमें ये कर्व एक पता है यू एक्स वाई इक्वल टू सी वन, तो हम चाहें तो इससे निकाल सकते हैं m1। तो m1 इक्वल टू dy/dx और यहाँ के लिए dy/dx हो जाएगा du/dx और अपॉन du/dy, ठीक है। और एक चीज़ और है, अगर ये एनालिटिक फंक्शन है तो हमें ये पहले से पता है, सो दे मस्ट सेटिस्फाई द CR इक्वेशन। CR इक्वेशन हमारा है du/dx इक्वल टू del v/del y, इसको तो एकदम रट जाइए, del u/del y इक्वल टू -del v/del x, ठीक है। तो m1 को हम लिख सकते हैं dy/dx जनरल, जैसे हमने हाई स्कूल में लिखा m1 इक्वल टू dy/dx इक्वल टू हो गया del u/del x अपॉन del u/del y,
ठीक है, यहाँ से हमें मिल जाएगा। तो एक तरह से इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। उसी तरीके से अगर हम m2 निकालेंगे तो m2 हो जाएगा, उसी तरीके से dy by dx तो इसको भी हम निकाल सकते हैं, डेल v by डेल x, ये दूसरे वाले फैमिली कर्व्स है, और ये डेल v by डेल y, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, तो अगर हम m1 into m2 निकालेंगे, फिर m1 into m2 तो ये हो जाएगा डेल u by डेल x अपॉन डेल यू बाई डेल वाई इंटू डेल वी बाई डेल एक्स अपॉन डेल वी बाई डेल वाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा सी आर इक्वेशन काम आएगा, जो हम यहाँ लिखे हैं पहले से, क्योंकि वो एनालिटिक फंक्शन था हमारा एफ जेड, तो हम इस कंडीशन को यूज कर सकते हैं। तो हम चाहें तो यू को वी में कन्वर्ट कर लें या वी को यू में कन्वर्ट कर लें, यू वी में यहाँ पे। तो यहाँ से हम u या v को किसी को चेंज करेंगे, तो सपोज़ करिए कि हम u को चेंज कर रहे हैं, तो जब u को चेंज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, डेल u बाई डेल x को क्या लिखेंगे, डेल v बाई डेल y, सो ये हो जाएगा डेल v बाई डेल y, और डेल u बाई डेल y को हम क्या लिखेंगे, माइनस डेल v बाई, ये डेल है, माइनस डेल v बाई डेल x, माइनस डेल v बाई डेल x, और इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं, डेल v बाई डेल x अपॉन डेल v बाई डेल y, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डेल यू बाई डेल एक्स को डेल वी बाई डेल वाई, और डेल यू बाई डेल वाई को माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे ये यहाँ से कैंसिल हो रहा है, यहाँ भी डेल वी बाई डेल वाई, यहाँ भी डेल वी डेल वाई, यहाँ भी डेल वी बाई डेल एक्स, और यहाँ भी डेल वी बाई डेल एक्स, तो हमें क्या मिल रहा है, माइनस वन। सो एम वन इंटू एम टू इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। तो हम यहीं पर सपोज कर लेंगे, जब कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स, ये दोनों ही लिखेंगे, uxy इक्वल टू c1 एंड vxy इक्वल टू c2 respectively, then हम ऐसा निकाल सकते हैं m1 equal to dy by dx and m2 equal to dy by dx, तो उसमें हम दूसरे कर्व को यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे v और v आ जाएगा, ये सब यहाँ पे u, उसके बाद हम क्या करते हैं, इनका प्रोडक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो तरह से यहाँ हम कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ हम दोनों को इंटू कर दे रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर दो फैमिली ऑफ कर्व्स को इंटू करते हैं, अगर माइनस वन आता है तो हम कहेंगे जो दोनों फैमिली ऑफ कर्व्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं राइट एंगल पे। यहाँ पे फिर हम एक लाइन लिख सकते हैं कि सिंस द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ द टू गिवन फैमिली कर्व्स इज इक्वल टू माइनस वन, so this shows that they are intersect at right angle, so this form the orthogonal system। तो ये सारी चीज़ें आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं कि since the product of slopes of the given curves of the given family of curves, तो स्टेटमेंट आप लिखा करिए विद्यापीठ में, इस पर भी नंबर मिलता है। सो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ द गिवन फैमिली कर्व्स इज इक्वल टू माइनस वन, एंड दिस शोज दैट द गिवन कर्व given curves are intersect at a right angle to each other, and hence we can say that these curves form an orthogonal system, and hence
वी कैन से दैट द गिवन कॉज या फैमिली ऑफ कॉज फॉर्म्स एन ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल सिस्टम। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो हमने आज कराए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर किसी न किसी ईयर में पूछा हुआ है। तो आप एनालिटिक फंक्शन को शुरू से करते आइए, फिर इसको करेंगे तो बड़े आराम से समझ में आएगा। ऐसा कुछ इसमें कठिन नहीं है, बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है। तो आप स्टार्टिंग से सारे वीडियो को फॉलो करिए, सब कुछ समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।